बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के सामने आशा कर्मचारियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठी है। आशा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा ममता को 21,000 रुपये वेतन राज्य सरकार के द्वारा 1,000 रुपये कटौती पर रोक लगाया जाए। 12 लाख रुपये का बीमा दिया जाए। पोर्टल पर ऑनलाइन करने पर पैसा लेने पर रोक लगाया जाए। आशा कर्मचारियों से मात्र 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए। इत्यादि मांगों को लेकर आशा कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने बताया कि अगर हमारे इन 2 दिवसीय मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता यशवंत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। अच्छा, हड़ताल आप लोग जो की हैं, क्या चीज का हड़ताल की है? 12 सूत्री मांगों के लिए। क्या है 12 सूत्री मांग? क्या है? पहला है सरकारी का दर्जा देना, दूसरा है 21,000 का मानदेय देना, तीसरा है 12 लाख का बीमा करना जी। इसके बाद है, क्या नाम है आपका? रंजया कुमारी। रंजया कुमारी। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? 2007 से। 2007 से। टाइम से वेतन मिल जा रहा है? अभी तो कभी-कभी मिलता है, कभी-कभी। कितने दिनों का वेतन आप लोग का बाकी? 3-4 महीना का बाकी। 3-4 महीना का बाकी। क्या नाम है आपका? अनीता। वेतन टाइम से मिल जा रहा है? वही जो इन लोग का है, वही समस्या है।